हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, दिस इज लक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशवुड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कंप्यूटर में कितने प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज यूज प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, सॉल्व सम्स, राइट लेटर्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें गेम खेलने के, मूवीज देखने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के डिफरेंट साइजेस में आते हैं कंप्यूटर। जो तुम्हारी बुक में है उसका नाम है फर्स्ट का डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। इज कैप्ट ऑन डेस्क एंड नीड्स टू इलेक्ट्रॉनिक टू वर्क। ये डेस्क पे रखा जाता है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक का नीड रहता। नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको सभी बच्चे जानते हैं, जो एक छोटा सा स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, जिसको हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इट्स हैंडी एंड कैन बी यूज वाइल ट्रेवलिंग। मतलब अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं ट्रैवल के अनुसार, तो भी इस कंप्यूटर को लेकर जा सकते हैं। और ये जो है बैटरी से काम करता है। लास्ट है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल, छोटा एकदम होता है। वो कैन बी हेल्ड ऑन आवर हैंड, जिसको हम हाथ से भी चला सकते हैं। कैन सो वर्क बैटरी, ये भी वर्क बैटरी से ही। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबको पता है कि कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है और बहुत सारे एक्सीलेंस, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे हाई स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है ये, नो मिस्टेक, कभी गलती भी नहीं करता। वर्सेटाइल, मतलब कि बहुत तरह तरह का काम भी कर सकता है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल भी बोलते हैं। कंप्यूटर का एक और फीचर्स है जो है गुड मेमोरी। कंप्यूटर हैज अ ह्यूज मेमोरी ऑफ स्टोर थिंग्स, इट कैन रिमेम्बर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत सारा चीज वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, बहुत बड़ी अमाउंट में भी। नेवर टायर्ड एंड बोर, वो कभी भी नहीं थकता, कभी भी बोर नहीं होता। जैसे हम लोग काम करते करते बोर हो जाते हैं, वैसे कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता। अब है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ एक पावरफुल मशीन है, बट उसकी कुछ भी लिमिटेशन है। जैसे अ कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन और इट्स ओन, कभी भी कंप्यूटर अपने फैसले खुद नहीं लेता है। जैसे हम चला रहे हैं तो हम ही उसका काम करते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन इट्स इंस्ट्रक्टेड, मतलब जब हम लोग उसको बताएंगे कि ये करना है तभी वो कर पाएगा, खुद से कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स लाइक अस। कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है जैसे हमारी होती है, एक आम इंसान की होती है। तो यही चैप्टर, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।